आशीर्वाद देने के लिए आए हुए अर्जुन को लोकसभा में भेजने के लिए इस तपती गर्मी में आए हुए आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान योग्य माताओं, बहनों, मेरे से पहले जो साथी बोलने वाले थे उन्होंने आज के देश और प्रदेश में किस किस्म के हालात पिछले कांग्रेस के 10 साल में रहे, 5 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के शासन में किन किन कठिनाइयों को दौर से हमें गुजरने पड़ा, सब बातों पे बड़े खुल करके आपके सामने चर्चा करी। साथियों, 12 तारीख को देश के सबसे बड़ी पंचायत के लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 1.5 दिन का समय हमारे पास शेष बचा है और इस 1.5 दिन के समय में हम सबको एक एक मतदाता के पास जाकर के कांग्रेस के उस 10 साल की लूट का, भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्ष के इस शासनकाल के दौरान जिस तरह से हरियाणा प्रदेश को, जहां कांग्रेस के लोगों ने लूटने का काम किया था, वहीं इस भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश को 5 वर्ष में जिस तरह से बर्बाद करने के लिए योजनाएं बनाई थी, उन सब बातों का जिक्र इस 1.5 दिन के अंदर एक एक मतदाता के बीच में जाकर के हमें बताना होगा। आज की आपकी इस भीड़ ने ये बात साबित कर दी। मैं खास करके पत्रकार साथियों से एक बात कहना चाहूंगा, इसी मैदान के अंदर परसों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और नरेंद्र मोदी जी ने आकर के यहां बड़े लच्छेदार भाषण दिए, लुभावनी बातें कही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ये बात भूल गए थे। यहां इस मैदान में खड़े होकर के कह रहे थे कि मैं बस में चढ़ करके झोला लेकर के भी कुरुक्षेत्र के लोगों से मिलने आया करता था। यहां कह रहे थे मैं मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ करके भी कुरुक्षेत्र की धरती पे लोगों के बीच में आकर के उनकी दिक्कत कठिनाई को समझता था। कह रहे थे हरियाणा मेरा दूसरा घर है, अगर कोई व्यक्ति अपने प्रदेश से और प्रदेश में रहने वाले लोगों के प्रति अगर थोड़ी सी भी जगह अपने दिल में रखता है तो उस प्रदेश के लोगों पे जब कभी भी सरकार की तरफ से कोई संकट आए, जब कभी भी प्रदेश की सरकार की तरफ से उन लोगों के सामने कोई दिक्कत और कठिनाई आए, तो मैं ये मान करके चलता हूं कि जो उस प्रदेश के साथ अपना लगाव रखता हो, जिस प्रदेश के साथ उसकी रिश्ता जुड़ा हुआ हो, वो फिर प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा होकर के लोगों को न्याय दिलवाने का काम करता है। मोदी जी को तो लोगों के साथ आकर के खड़े होने की भी जरूरत नहीं थी, उनका एक आदेश काफी था। वो तो एक दफा हरियाणा प्रदेश के लोगों को, जब हरियाणा की सरकार इस प्रदेश को जलाने का काम कर रही थी, जब बाबा एक संत रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए जो बरवाड़ा के साथ जिन तरफ पुलिस खड़ी कर दी गई, वहां भय का माहौल बना दिया गया, जो अनुयायी उनके अंदर थे उनको डराया जा रहा था। आपने टेलीविजन में देखा होगा किस तरह से रात के अंधेरे में माएं अपने गोद में बच्चों को उठा करके कच्चे पक्के रास्तों से निकलने की कोशिश कर रही थी,
पुलिस उनको बाहर जाने देने की बजाय उनके साथ बदसलूकी कर रही थी, और जब बदसलूकी की जा रही थी तो संभाविक था कि उस डेरे के अंदर जो दूसरे अनिवासी थे उन्हें इस बात को लेकर के पीड़ा हो रही थी कि हमारी बहन बेटियों के साथ जहां सम्मान के साथ उनको बसों में बैठा करके उनके गांव और घर तक भेजना चाहिए था, वहां उनके साथ बदतमीजियां हो रही थी। लोगों ने जब इस बात का अनुयायियों ने विरोध किया तो उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, गोलियां बरसाई गई, 6 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान 32 से ज्यादा नौजवान बच्चों को मार दिया गया। पंचकुला के अंदर बाबा राम रहीम की पेशी के ऊपर लाखों लोगों को बुला करके 46 लोगों को मौत के घाट उतारा, 200 से ज्यादा आज भी लापता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़ा होकर के कह रहा था, हरियाणा मेरा दूसरा घर है, अगर मुख्य प्रधानमंत्री के मन में प्रदेश के प्रति थोड़ा सा भी स्नेह प्यार होता तो 100% देश का प्रधानमंत्री हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये बात कह करके पूछता कि मेरे प्रदेश के अंदर आज इस किस्म के हालात क्यों तेरी सरकार ने पैदा किए। वहीं रेडियो के माध्यम से, अखबार के माध्यम के, टीवी के माध्यम से उन पीड़ित परिवारों के आंसू जरूर पूछने का काम करता। देश में विदेश में कहीं कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री सहानुभूति बटोरने के लिए उनके प्रति 1 मिनट में संवेदना प्रकट कर देते हैं, लेकिन दूसरे घर में सैकड़ों से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, देश के प्रधानमंत्री ने उनके प्रति संवेदना प्रकट करने की बजाय मुख्यमंत्री की पीठ इसी कुरुक्षेत्र की धरती पर थपथपाने का काम किया। आप चाहते हो कि ऐसे लोग जो हमारे बीच में दूसरे घर का वास्ता देकर के वोट मांगते हैं, 12 तारीख को ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के चुनाव निशान ऐनक के सामने का बटन दबा करके ऐसे लोगों को प्रदेश और देश की सत्ता से बाहर करने का काम करना। साथियों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, चंद बातें आपके बीच में कहकर के आपसे इजाजत ले लूंगा। इस प्रदेश के अंदर जात पात का जहर घोला गया, प्रदेश और देश की सरकार ने जो वायदे आप लोगों के बीच में किए थे, वायदे पूरे करने की बजाय आपका ध्यान बांटने का काम किया गया। हमारे बीच वायदा किया जाता था कि हम शिक्षा में सुधार करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हमारे बीच में कहा जाता था कि हरियाणा प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर एक मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, जहां यह भी कहा जाता था कि गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए जो सरकारी स्कूल है जिनमें अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां मॉडल स्कूल बना करके उन बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे। जो कहते थे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, पक्के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देंगे। हमारे बीच में कहा जाता था 24 घंटे बिजली देंगे, वायदा किया जाता था कि किसान की खेत की फसल पके उसके लिए नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। इस 5 वर्ष में एक भी वायदा पूरा करने की बजाय 3 बार इस प्रदेश को आग के हवाले करके हमारे भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की गई। आप चाहते हो कि जो लोग हमारा भाईचारा तोड़ रहे थे, जिन्होंने राजकुमार सैनी जैसे लोगों की पीठ पे हाथ रख करके कहा था कि आप जाओ हरियाणा प्रदेश के लोगों के माहौल को खराब करो, आप जाकर के गांव गांव में लोगों को 35 और 36 जात में बांट करके लोगों के रिश्ते खराब करने का काम करो, आप चाहते हो कि वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जाए, तो फिर साथियों आपको एक फैसला आज लेकर के जाना पड़ेगा। हमारे पास 1.5 दिन का समय है, गांव गांव के अंदर आपसी भाईचारे के लिए पंचायत करो,
सारे लोगों को इकट्ठा करके एक ही बात कहो कि अगर आज हम मजबूत नहीं होंगे, आज हम अगर अपनी एकता नहीं दिखाएंगे, आज अगर हम अपनी ताकत सरकार को नहीं दिखाएंगे, तो फिर मान करके चलो पहले की तरह वोट आपसे हासिल कर लेंगे, एमपी बनकर के फिर आपको बांटने के लिए आपके बीच में जहर उगलने का काम ये सरकार में बैठे लोग करेंगे। इनको सबक मिले इसके लिए साथियों, एक एक मतदाता के पास जाकर के गांव गांव में पंचायत करके छोटे मोटे मतभेद जो विवाद जो हैं उनको खत्म करके, कोई किसी से रूसा है, किसी का किसी के साथ कोई छोटा मोटा विवाद है, साथियों विवाद और रूसा मनी तो हम फिर भी कर लेंगे। ये मौका हमें 5 साल के बाद मिलता है, हमें इस 5 साल के बाद मिले हुए मौके को गंवाना नहीं है। यहां जात पात की और धर्म की बात की जाती है, बड़ी हैरानी की बात है, कोई भी व्यक्ति जब अपनी मां की पेट से पैदा होता है, जो बच्चा पैदा होता है उसको इस बात का पता नहीं होता कि मैं किस धर्म और किस जाति में जन्म लेने जा रहा हूं। लेकिन जन्म लेने के बाद भगवान कृष्ण ने भी जब जन्म लिया था तो एक यादव के घर में जन्म लेने का काम किया था। महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि के घर में पैदा होकर के इस देश की सेवा करने का, इस देश के लोगों के बीच में एक जो अंधविश्वास था उसको खत्म करने का काम किया था। भगवान राम जो है राजपूत के घर में पैदा हुए थे, लेकिन आज उनकी मूर्त हर घर में पूजी जाती है। साथियों हम किस धर्म में पैदा हो, किस जात में पैदा हो, हमारे ऊपर कुछ लोग उंगली उठा करके कुछ लोग हमें अलग थलग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे इस बात का फख्र है कि मैं एक जाट किसान के घर में पैदा हुआ हूं, और उस घर में पैदा हुआ हूं जिस घर में चौधरी देवीलाल सरीखे लोग थे, और चौधरी देवीलाल ने कभी जाति और धर्म की बात नहीं करी। चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसान की लड़ाई को लड़ने का काम किया। आज हम भी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ा करके कैसे किसान को आज की इन दिक्कत और कठिनाइयों से बाहर निकाला जाए, कैसे किसान को कर्जे के बोझ के तले हुए दबे हुए किसान को आज फिर से इस लायक बनाया जाए कि वो अपनी कर्जे को निकाल सके और फिर से सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। साथियों अगर आप चाहते हो ये सारी चीजें हो, तो फिर आने वाली 12 तारीख को एनक के निशान का बटन दबा देना। मैं एक बात आखिरी आपसे कहकर के इजाजत लेना चाहूंगा, या इस धरती पे खड़े होकर के प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पता नहीं किस किस तरह के आरोप लगाए थे, यहां खड़े होकर के कह रहे थे यहां तो परिवारवाद की राजनीति हो रही है, यहां तो ये कहा जा रहा था कि हरियाणा प्रदेश से हमने परिवारवाद को खत्म करना है। उस मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से प्रेस के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी, कुरुक्षेत्र की धरती से एक बात सुन लो, आज हरियाणा प्रदेश में नहीं देश के अंदर हर घर के अंदर एक एक अर्जुन पैदा हुआ है। आपको क्या पता कि अर्जुन क्या होता है? अगर किसी के घर में एक भी बच्चा है, दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, 100 का 100% उन बच्चों में आज इस तरह का हौसला और हिम्मत है, जब देश के बारे में देश का प्रधानमंत्री कमजोर होने की बात करता है, तो फिर वो नौजवान बच्चा घर में माँ बाप के साथ बैठ करके कहता है कि मैं अपने राष्ट्र को कमजोर नहीं होने दूंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज देश को कमजोर करने जा रहे हैं, जो देश की दुहाई दे करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, वो नौजवान कहता है कि हम इस भारतीय जनता पार्टी को जो राष्ट्र को कमजोर करने में लगी हुई है, जो संविधान को बदलने में लगी हुई है, इस चुनाव के अंदर उसको सत्ता से बाहर करेंगे और सत्ता से बाहर करके अपनी मनचाही सरकार बनाने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अब जब गांव में वापिस जाओगे तो जाकर के आज ही गांव में लोगों से बैठ करके बातचीत करके आपसी भाईचारे के साथ पंचायत के रूप में चर्चा करके और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक एक वोट अपनी ताकत दिखाने के लिए एनक के निशान पे लगा करके अपने यहाँ से उम्मीदवार अपने अनुज अपने बेटे अर्जुन को भारी मतों से जिताने का काम करोगे। एक बार सारे हाथ खड़ा करके अपने अर्जुन को आशीर्वाद देने का काम करो। आप सब यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आए, इतनी तपती धूप में 47 डिग्री के टेम्परेचर में हजारों की संख्या में आपने पहुंच करके जो आशीर्वाद दिया, मैं उम्मीद करूंगा कि आप आज ही जा करके इस 24 घंटे के समय में
और बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम करोगे। अगर बदलाव लाना चाहते हो तो एक बार हाथ खड़ा करके कहो कि हम बदलाव चाहते हैं। आप आए, आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। अर्जुन 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 अर्जुन। हेलो हेलो, सो कर दीजिए प्ले। हाँ जी ठीक है, सो बैठ जाओ सारे जड़े। हुन भाई हरफ चीमा सारथी के गुरचैज सुनो तुहाडे दिलां दी धड़कन। हाँ जी दो गाने को ठीक है जी, ओके। हाँ जी, वर्ल्ड फेमस वन एंड ओनली भाई हरफ चीमा, भाई हरफ चीमा, चीमा दा मोड चीमा, हर चीमा। ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਰੇ? ਤੇ 25 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਝੋਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਰਗੇ, ਸਿਰ ਵਰਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਵੇ, ਹੋਣਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਵੇ। ਸੂਟ ਲੈ ਦੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਜੇ ਬੁਟੀਕ ਤੋਂ, ਜੇ ਬੁਟੀਕ ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਵੇ, ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਵੇ। ਚਾਦਰ ਲੈ ਦੂੰ ਤੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੇ ਬੁਟੀਕ ਤੈ, ਸੇ ਬੁਟੀਕ ਤੈ 35 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਵੇ, ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਵੇ। 10 ਐਡਰੈਸ ਨੀ ਮੈਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜਾਂ, ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਸਾਡੀ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਐ ਗਲੀ ਮੁੰਡਿਆ। ਹੱਥ ਨਾ ਤੂੰ, ਹੱਥ ਨਾ ਤੂੰ, ਹੱਥ ਨਾ ਤੂੰ ਪਾਲੀ ਵੇ ਮੈਂ ਕੱਚ ਵਰਗੀ, ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਂਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀ ਮੁੰਡਿਆ। ਹੱਥ ਨਾ ਤੂੰ ਪਾਲੀ ਵੇ ਮੈਂ ਕੱਚ ਵਰਗੀ, ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਂਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀ ਮੁੰਡਿਆ। ਹੱਥ ਨਾ ਤੂੰ ਪਾਲੀ ਵੇ ਮੈਂ ਕੱਚ ਵਰਗੀ, ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਂਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀ ਮੁੰਡਿਆ। ਅਠਾਰਵਾਂ ਹਲਾ ਤੇ 25 ਪਿੰਡ ਵੇ, ਕੱਲ ਮੋੜਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਵਾਨ। ਤੇਰੀ ਰੇਂਜ ਚ ਨੀ ਜੱਟੀ ਰੇਂਜ ਵਰਗੀ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੜਾਈ ਖੱਬੀ ਖਾਂਦੀ। ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈਏ ਵੇਖ ਕੇ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈਏ ਵੇਖ ਕੇ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈਏ ਵੇਖ ਕੇ। ਵੇਖੀਆਂ ਹੱਥ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਲੂ ਜੱਟ ਨੀ, ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਂਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਲਾਈ ਵਾਂਗੂ ਲਾਲੂ ਜੱਟ ਨੀ, ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਂਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਲਾਈ ਵਾਂਗੂ ਲਾਲੂ ਜੱਟ ਨੀ, ਉਹ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਂਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਲਾਈ ਵਾਂਗੂ ਲਾਲੂ ਜੱਟ ਨੀ। ਪਿੰਡ ਬੈਕ ਵੜ ਜਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਚੀਮਿਆ, ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੀ ਅਸ਼ਾਨ ਗੱਭਰੂ। ਮਹਿੰਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਹਿੰਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਣਾ ਨੀ ਅਫੋੜਵੇ, ਤੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੱਭਰੂ। ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲੂ ਪੁਲਿਸ ਨੀ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਪੀ ਐ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲੂ ਪੁਲਿਸ ਨੀ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਪੀ ਐ। ਰਹਿਣੀਆਂ ਲੱਗਾਂ ਚ ਜਦੋਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਰਹਿਣੀਆਂ ਲੱਗਾਂ ਚ ਜਦੋਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਯਾਰੀਆਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਆਂ, ਸਾਥੋਂ ਨੀ ਕਮਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਯਾਰੀਆਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਆਂ, ਸਾਥੋਂ ਨੀ ਕਮਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ।
ਖੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣਾ ਕਰਕੇ ਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ।